अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा की डो बनाएंगे। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें है मैदा 1.5 कप, खमीर 1 खाने का चम्मच, इसके अलावा चीनी 1 चाय का चम्मच। इन दोनों को मैंने लेके जो नीम गर्म पानी है उसके अंदर मैंने इसको भिगो दिया था, चीनी को और हमीर को। आप देख सकते हैं ये काफ़ी फूल गया है। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने रखा था। इसके अलावा हमें चाहिए पानी, वो हम ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें वो चाहिए हुआ तो और लेंगे। तकरीबन नीम गर्म पानी है ये। इसके अलावा एक अंडा चाहिए, नमक हमें चाहिए 1/2 चाय के चम्मच और तेल हमें चाहिए होगा 2 खाने के चम्मच। तो इसको बनाने के लिए डो बनाने के लिए हम तैयार करते हैं चीज़ें। एक बोल लेंगे, उसके अंदर हम मैदा डालेंगे, इसके मिडल में हम थोड़ा सा होल बनाएंगे और साथ ही हम खमीर डाल देंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी भी है, काफ़ी फूला हुआ है। साथ ही हम एक अंडा तोड़ के डाल देंगे। नमक और तेल को डाल देंगे। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी काफ़ी था, इसकी अच्छी तरह से डो बना लेंगे। आप देख सकते हैं अभी तक मैंने पानी इस्तेमाल नहीं किया, अच्छी खासी डो तैयार हो गई है। अब हम इस पर हल्का सा पानी लगाएंगे हाथ पे और इसकी अच्छी तरह से गूंदेंगे, जैसा कि हम आटे को गूंदते हैं। इस डो को हम ओवन में रखेंगे। ओवन मैंने पहले से तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको गर्म किया था ओवन को। उस गर्म ओवन को मैंने करके गर्म फिर उसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं इस डो को ओवन में रखूंगी ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ओवन ज़्यादा गर्म नहीं मैंने किया था, हल्के स्पीड पे मैंने इसको रखा था। अब हम इसकी डो बना लेते हैं। अब हम इसकी रोटी बेल लेते हैं पिज़्ज़े की। थोड़ा सा हम भुजका लेंगे और इसकी सारे की हम बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, क्योंकि मैं बड़ा पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ। ये पूरी फैमिली के लिए अच्छा है ये। तो ये रोटी तैयार है। इसके अंदर नाखूनों के साथ हम खोल बनाएंगे। आप चाहें तो आप फोक के साथ भी कर सकते हैं, जैसे हम नान के अंदर करते हैं। और साइड से हम जो हमारे पिज़्ज़े के कोने हैं उनको हम इस तरह से ऊपर करते जाएंगे। ओवन को हम दोबारा से ऑन करेंगे जब तक कि हम इसकी जो टॉपिंग है वो तैयार करेंगे। तो हम रोटी को पिज़्ज़ा प्लेट में डाल लेते हैं। ये पिज़्ज़ा रोटी के लिए मैंने बड़ी ट्रे ली है, ये ओवन प्रूफ है। इसके अंदर मैंने बटर लगा लिया था नीचे थोड़ा सा, जैसे आप केक के लिए लगाते हैं। और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्लेन फ्लावर का पाउडर लगाया है मैदे का। अब हम इसके ऊपर रोटी रखेंगे पिज़्ज़े की जो हमने बेली थी पहले। आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं है तो आप कोई सी भी पिज़्ज़े वाली ले सकते हैं, सिर्फ इसका रोटी का साइज़ आप छोटा रखेंगे। अब इसकी टॉपिंग के लिए हम चीज़ें लेंगे। मैं इसकी टॉपिंग के लिए सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए होगी टमाटो प्यूरी, तकरीबन मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच खाने के। केचप मैंने लिया है 3 चम्मच।
इसके अलावा मैंने लिए हैं ऑरिगैनो तकरीबन एक चाय का चम्मच। इसको हम इस प्यूरी में डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके अलावा मैंने चीज़ ली है एक कप। मेरे पास दो कलर की चीज़ थी तो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया, इनको मैंने ग्रेट कर लिया। आपके पास जो भी चीज़ है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने सब्जियों में लिया है शिमला मिर्च सब्ज वाली, तकरीबन आधी मैंने लिया है। इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है बारीक बारीक। प्याज मैंने आधा लिया है, कोई भी प्याज आप ले सकते हैं, उसको आधा काट लें। इसके अलावा मैंने हैलोपीनो लिया है, स्वीट कॉर्न। इसके अलावा मैंने काले ओलिव लिए हैं। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा के ऊपर सॉस लगाएंगे, रोटी के ऊपर अच्छी तरह से इसको सारी तरफ लगा लेंगे। ये तो आप देख सकते हैं सॉस अच्छी तरह से लग गई है सारी तरफ, और आप देख सकते हैं किनारे, इसको मैंने किनारों को खाली रखा है और सादे रहेंगे। अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे। अब हम इसके ऊपर सब्जियां से टॉपिंग करेंगे। अब इसके ऊपर मैं बाकी की चीज़ जो बची थी वो डाल दूंगी टॉपिंग के लिए। तो मैंने पहले से गर्म रखा हुआ था गैस मार्क 6 पे 200 डिग्री पे, और चलिए अब इसको ओवन में रखते हैं। तकरीबन इसको हम 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, तो उसके बाद इसको चेक करते हैं। तो हम देखते हैं 20 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा तैयार है। अब हम इसको निकाल लेंगे दूसरी प्लेट में, उसको काट लेंगे। जी नाज़रीन, तो पिज़्ज़ा तैयार है, आप देख सकते हैं इसको मैंने काट लिया है, पीछे से बिल्कुल पक गया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप चाहें कि मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आऊँ तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।